हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक और इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट आपके सामने है जो कि 102 102nd अमेंडमेंट जो है वो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। 102वें संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है जो मैंने मार्क कर दी है ग्रीन पेन से, इसको आप याद रखिएगा। 102वें संशोधन से ये आया था और इस आयोग को केंद्र और राज्यों के सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उन लोगों से संबंधित किसी भी मामले में कोई भी परामर्श करने की शक्ति इस आयोग को इस संशोधन करके बना के प्रदान की गई। यानी कि पहले तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग का आयोग गठन हुआ और उन्हें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनसे संबंधित जितने भी मामले हैं उनके कल्याण के लिए जो भी काम करना है उस ये पावर उनको दिया गया वो करने के लिए। तो ये भी अपने आप में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे वीडियो बना करके छोटी छोटी क्लिप में मैं आपको दिखाऊं ताकि आप इसे नोट भी करें और याद तो कर ही लें। खैर, कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आए ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चाहे किसी भी स्टेट जुडिशरी की आप बात करें उसमें इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट आपको याद करने ही होंगे। चाहे आप शॉर्ट नोट्स बना के याद करें या लॉन्ग नोट में या बुक से भी याद कर सकते हैं, लेकिन मेरा मशवरा आप लोग को यही रहेगा कि आप शॉर्ट में बना लें ताकि आपको एग्जाम में रिवाइज करने में दिक्कत नहीं हो। तो आराम से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना टाइम देके सुनने के लिए। और आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कमेंट करके आप बता सकते हैं जो भी आप चाहें। गुड बाय एंड टेक केयर।